अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, कक्षा 5 के लिए हम दसवां पाठ मुहावरों का खेल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। क्या नाम है इसका? मुहावरों का खेल। बच्चों, जैसे हम आँख का तारा, चार चांद लगना, क्या है ये? आँखों का तारा, चार चांद लगना, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसे को तैसा, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। जैसे एक भाषा को अच्छी किस किस के प्रयोग से प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं, बात करते हुए हम सारे खाना खाए, इस तरह से बात करने में भी हम अपनी भाषा को कैसे प्रभावी बना सकते हैं? जैसे हम उसमें मुहावरे बोलकर, है ना, मुहावरे बोलकर, अच्छे शब्द कहकर हम अपनी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे, जो मुहावरों का खेल यानी मुहावरे भी देखिए कि इससे क्या संबंधित है इस पाठ में मुहावरों का खेल। देखिए पाठ, गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। गर्मी की छुट्टियां यानी समर सीजन, ठीक है, वो के आफ्टर एनुअल एग्ज़ाम गर्मी की छुट्टियां मिलती है ना, वो गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। आज स्कूल का आखिरी दिन था। तुषार अनमना सा घर लौटा। ये क्या है? अनमना सा मुहावरा छे बच्चों, यानी गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी, आज स्कूल का आखिरी दिन था, और तुषार नाम का एक लड़का है जो अनमना सा यानी बेचैन अजीब सा डाउटफुल जो है घर को लौटा। उसको देखते ही माँ समझ गई कि आज स्कूल में ज़रूर कोई बात हुई होगी। ये तुषार है और ये माँ है। जैसे ही आखिरी दिन था वो घर लौटा तो अनमनासा लगने लगा, तो माँ ने उसके चेहरा देखते ही पहचान लिया कि आज तो ज़रूर स्कूल में कुछ बात हुई है। माँ ने तुषार से पूछा, क्या बात है तुषार, आज कुछ अनमने से लग रहे हो, अलग से दिख रहे हो, अनमना से लग रहे हो यानी अलग से। बैग रखते हुए तुषार बोला, अपना स्कूली बैग रखते हुए तुषार बोला, माँ आज कक्षा में सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। माँ आज कक्षा में फर्स्ट प्राइज, सर्वोत्तम प्राइज यानी फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। इसका नाम क्या है? तुषार है। और एक लड़किया का नाम क्या है? अनूप। तो तुषार कहने लगा अपनी माँ से, माँ के आज स्कूल में जो है फर्स्ट और सबसे बेस्ट प्राइज जो है, प्रथम पुरस्कार जो है अनूप को मिला। अध्यापिका जो है, माँ अध्यापिका ने अनूप की बहुत प्रशंसा की। यानी अध्यापिका कौन बच्चों? टीचर भी जो है अनूप की बहुत तारीफ की, प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है, इनसे भाषा सचती संवरती और प्रभावशाली बनती है। अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। तो आज आखिरी दिन था स्कूल का, तो अध्यापिका ने अनूप को जो है बेस्ट प्राइज दिया था, फर्स्ट प्राइज दिया था। और उसे फर्स्ट प्राइज क्यों मिला? क्योंकि उसने अपनी परीक्षा में मुहावरों का इस्तेमाल किया था। और अध्यापिका ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि भाषा तो सचती है, सवरती, प्रभावशाली बनती है मुहावरों के ज़रिए। अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया था, तो इसीलिए अध्यापिका उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। फिर मेरी ओर देखकर वे बोली, तुषार, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। तो माँ अध्यापिका ने कहा कि मुझे भी देखते हुए कहा कि तुषार, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, लेकिन तुम्हें भी अपने निबंध में क्या करना चाहिए? मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। दोनों भी अच्छा लिखे, लेकिन अनूप जो है उसमें बीच बीच में मुहावरों का भी प्रयोग किया, इसलिए उसका निबंध बहुत ही अच्छा लगने लगा। और तुषार तो सीधा जैसा निबंध है उस तरह से लिखने से वो अच्छा नज़र नहीं आया। तो अध्यापिका ने कहा कि तुम्हें भी मुहावरों को सजाना चाहिए निबंध को। माँ ने बहुत प्यार से कहा, तो क्या हुआ, अगली बार से तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना। तुषार ने कहा, माँ, मुझसे मुहावरों से मुझे
मुहावरों से बहुत डर लगता है। माँ ने कहा तो ठीक है ना, प्यार से कहा के तो क्या हुआ, अगली बार तुम भी मुहावरों का प्रयोग करना अपने निबंध में। तो तुषार ने कहा नहीं माँ, मुझे तो मुहावरों से बहुत डर लगता है। अगला शेष भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों, ठीक है। अब तक यहाँ तक ही पढ़िए और एक बार अच्छे से रीडिंग करिए अपने घर में, 10th लेसन मुहावरों का खेल, ठीक है। धन्यवाद।